अगला सवाल है व्हाट किल्स मेन स्पर्म काउंट, इसके बारे में हम लोगों ने लेक्चर में विस्तृत तौर पे देखा है, बट अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखें तो एडिक्शंस, स्मोकिंग हो, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स, ओबेसिटी, मोटापा, फिर उसी के साथ इन्फेक्शंस होना, कुछ अंडाशय में सूजन जैसी प्रॉब्लम्स होना जिसको वैरिकोसिल कहते हैं, उस वजह से हो सकता है, और बचपन में कुछ बीमारियां हुई हो या फिर टीनेज में कुछ बीमारियां हुई हो, ऐसी चीजों से भी स्पर्म काउंट कम हो सकता है। बहुत बार हमको ये सवाल पूछा जाता है कि बचपन में अगर मास्टरबेशन की आदत है तो उसकी वजह से कभी स्पर्म काउंट कम हो सकते हैं क्या? तो ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, इसकी वजह से स्पर्म काउंट आगे कम होना बहुत उसका कोई चांस नहीं, प्रॉब्लम नहीं होता है, उसकी वजह से आने वाला प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि इसको ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है अगर ये सीवियर हो, तो इसको डेफिनेटली कंट्रोल में रखना चाहिए। For more information and updates, subscribe to Oasis Fertility. Hit the bell icon for future notifications.